फाइनली भी हम लोग घर से आ गए हैं, अभी रास्ते में हैं। आधा भी हम लोग रेडी हो गए मंगल स्नान के लिए। एक्चुअली ये इस तरह से खाना खाया जाता है यहाँ। फाइनली गाइस अभी बारात घर पे पहुंच गई है। बस अभी हम लोग रेडी हो गए मंगल स्नान के लिए। एक्चुअली यहाँ पे वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जो भी फंक्शन रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाकी की बातचीत थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा लेट भी हो गया है। फाइनली अभी मंगल स्नान हो गया है और एक्चुअली यहाँ पे शादी वन डे है तो अभी बारात को भी निकलना है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी रेडी होना है। हाँ जी, और इतना लेट हो चुका है कि अभी हम तैयार भी नहीं हुए, अभी हल्दी हो चुकी है, अब हम रेडी होंगे, उसके बाद हम फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहले रेडी हो लेते हैं बारात जाने के लिए, फिर बाकी की बातचीत आप लोगों से बाद में करेंगे और बाकी आप लोगों को आगे का जो भी फंक्शन रहेगा वो हम लोग दिखाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय। तो अभी हम लोग जस्ट 2 मिनट पहले घर से निकले हुए हैं, पूरा मेकअप करके, और शिवानी का मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दोबारा इसको 2 मिनट के बाद मेकअप कर रही है क्योंकि मैंने दूल्हे राजा का मेकअप किया इसलिए मेरा मेकअप नहीं हो पाया। मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितनी बारी मेकअप होगा, वो आपको दिखाऊंगी मैं रिपीट कितना मेकअप होता है। तो यहाँ पर बारात जाते हुए फाइनली भी हम लोग घर से आ गए हैं, अभी रास्ते में हैं। आधा घंटे ही हुआ हम लोग घर से निकले हुए और अभी 2-2.5 घंटे का रास्ता और है। सबसे पहले अभी हम लोग ही आए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी हो गए और जो भी मेकअप होना शिवानी ने सारा गाड़ी में ही करना है। और जो हमारे दूल्हे राजा हैं उनसे पूछ लेते हैं आज उनको कैसा फील हो रहा है। अभी तो घर से निकले हैं थोड़ा सा, तो बताइए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, फाइनली आज रोमी का भाभी से शादी हो जाएगी भैया की, है ना। तो अभी फिर बाकी आप लोगों को आगे का फंक्शन दिखाएंगे जो भी फंक्शन रहेगा, तो बाकी बाद में मिलते हैं आप लोगों से। खड़े हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो देखिए चलने भी लग गए ऊपर, नाचना नहीं है इधर से उतर जाएंगे। जब मेरा लाइनर लगाया था
चुके हैं तो अब हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं। हम खा रहे हैं अभी पापड़ और हम पहाड़ों में ऐसे नीचे बैठे खाना खा रहे हैं। उधर पे किधर है यो हेलो गाइस नमस्कार। अब हम आए हैं कोटमा गांव में आ रखे हैं शादी में और ये हमारे उत्तराखंड की रीति रिवाज इस तरह से निभाया जाता है। ये भांजी है हमारी और भांजी क्या बोलना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे गढ़वाल का फेवरेट सीन है और हमारे सुंदर सुंदर पहाड़ और हम यहाँ पर खाना खाने बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ। जैसे आप शहरों में करते हैं फंक्शन को अटेंड, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? यहाँ की तो बात ही कुछ निराली है। शहर में तो क्या है, शहर में तो जाओ अपना खाना खाओ और चल दो। आपको कैसा लग रहा है पहाड़ में आके? बहुत टेस्टी पापड़ है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये तो अच्छी जगह है। और आपको? फर्स्ट क्लास। आपको? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, अपना गांव अपना ही होता है गांव में। दीदी आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसे बैठना ऐसे कहाँ मिलता है शहरों में, तो ऐसे खड़े देखो हमारा खाना, देखो हमारा खाना ऐसे खाना खाते हैं। सब टेस्टी होता है, अचार, इसमें सैलेड है, इसमें पापड़ है, अभी चावल भी आएंगे, अभी हम वो भी खाएंगे। ये हमारी मम्मी है, मम्मी दे दो मम्मी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे नेचुरल पहाड़ भी दिखाओ हमारे यहाँ नेचुरल। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कोटमा गांव, ये इस तरह से खाना खाया जाता है यहाँ पे हमारे गढ़वालों में। और ये देखिए यहाँ का व्यू, अच्छा सा व्यू। और मेरी थाली ये लगी हुई है, भांजी के साथ में खाने का मौका मिला है आज। दोस्तों ये पापड़ सारे खा लिए इन लोगों ने और अभी दाल आना बाकी है। Thank you.
जाइए, बाकी उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को पहाड़ी शादी कैसी लग रही है। मैं थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बना पा रही हूँ क्योंकि हम लोग रिलेटिव के घर पे आए हैं, तो नहीं इतना पॉसिबल हो पा रहा है वीडियोस बनाना। तो पहले दुल्हन की एंट्री होगी, उसके बाद खाना खाने चलते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई है। और अभी हो गए रात के 9, तो आगे का जो भी प्रोग्राम रहेगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग को पूरा पहाड़ी शादी कैसे होती है गाँव के कल्चर के अकॉर्डिंग वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस अभी हो गया शादी का फंक्शन पूरा कंप्लीट, पैक करके रखा हुआ कपड़े बाद में लगेगी। तो फाइनली गाइस हो गया पूरा शादी का फंक्शन, अब हम बहुत थक चुके हैं और अब काम धाम उतारने की तैयारी हो रही है। अभी इतने लटकाए हैं सिर में, अभी हमारे बाल जो ऐसे हो रखे हैं, हमारा फुलिया जो चेंज हो रखा है, हम उसको फिर से सेट करके फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। बोलो शादी क्यों करी फिर, सामने बोलो। हेलो गाइस, तो वीडियो ऑन कर। तो गाइस मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, मैं दूसरी ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए तो मुझे बताना। तो पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बाकी की बातचीत करते हैं। फाइनली अभी हम लोग शादी से आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग रिलेटिव के यहाँ पे शादी में गए हुए थे, और अपने घर पे हम लोग पहुँचने वाले, रास्ते में रुके हुए, थोड़ा सा थकान हो गई है। एक्चुअली गर्मी भी यहाँ पे आजकल काफ़ी हो रही है। बाकी आप लोगों को हमारी पहाड़ की शादी कैसी लगी, पहाड़ की शादी का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट में बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आगे आप लोगों को पहाड़ों का जो भी व्यूज़ रहेगा, जो भी ब्लॉग बनेगा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।